एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी डोसा। इसके लिए हमें चाहिए सामक। ये मैंने 1.5 कप सामक लिया है, इसे आधा घंटा भिगो के रखा है। ये है आधा कप साबुदाना, इसे भी मैंने आधा घंटा से भिगो के रखा है। देखिए यहाँ अपना इसका प्रिपोर्शन रहेगा, ये 1.5 कप और साबुदाना है आधा कप। ब्लैक पेपर, सेंधा नमक, घी, जीरा, उबला हुआ आलू, धनिया पत्ती, कटी हुई बारीक हरी मिर्च, नींबू और कुछ करी पत्ते। अब हम इसका पानी निकाल करके और हमें साबुदाना और सामक दोनों को पीस करके ग्राइंड करके इनका बैटर बनाएंगे। में साबुदाना भी मिक्स कर दूंगी। इसे यहां मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम यहां पर पहले फिलिंग करेंगे, फिलिंग को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर घी डाल रही हूं। घी में घी मेल्ट हो रहा है और यहाँ हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा स्प्लैटर होने लगी तब करी पत्ता डाल देंगे, कुछ हरी मिर्च पेस्ट के हिसाब से जितना आपको तीखा चाहिए, और फिर आलू, उबला हुआ आलू, इसे थोड़ा सा हम स्टर करेंगे। इसमें हम मसाले में सेंधा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आपको जैसे टेस्ट चाहिए। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कुछ धनिया पत्ती क्रश करके डाल रही हूँ। उपवास का खाना बना रहे हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हमने सेंधा नमक और काली मिर्च डाली है। अंडे मसाले नहीं डाल रहे हम लोग। थोड़ा सा मैश कर देंगे और लास्ट में थोड़ा सा नींबू। डेड कॉर्न हमारी स्टफिंग रेडी है। हमारा बैटर प्रिपेयर्ड है, इसलिए हम स्वाद एज पर योर टेस्ट सेंधा नमक ऐड करेंगे। कुछ क्रश करके धनिया पत्ती, हाथ से तोड़ी हुई धनिया पत्ती भी कहते हैं, टेस्ट ही अलग आता है। और थोड़ा सा नींबू। इसे मिक्स करेंगे। नमक हमने क्योंकि पहले नहीं डाला था। देखिए मैंने तवा पहले से ही गर्म करने रख दिया है। अब हम इसमें अपना ये बैटर डालेंगे।
इसे स्प्रेड कर देंगे तुरंत। इस तरीके से और थोड़ा सा तेल हमें और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए यहाँ ये सिकने लगा है, इसको हम यहाँ पलट देंगे और थोड़ा सा तेल फिर से और हम यहाँ पर इसमें हमारी आलू की स्टफिंग रखेंगे बीचों बीच, कोट कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारी डोसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारा एक दूसरा और डोसा प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये तैयार है हमारा फलाहारी डोसा, इसे मैंने खीरे के रायते के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।